सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेवन फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेवन फॉर यू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्टेट बैंक का जो योनो एप्लीकेशन है उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं और जो अपने ट्रांजेक्शन हैं, तो आपका जो जैसे कि आपको देखना है कब मेरे जैसे कि हम एटीएम मशीन पर जाते हैं, वहाँ पर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो वहाँ पर पिछले 6 और 7 ट्रांजेक्शन आपको दिखा देता है, 5 ट्रांजेक्शन दिखाता है मोस्टली। तो उसमें आपका दिखाता है कब डिपॉजिट हुआ, कब आपका विड्रॉल हुआ। इस तरह से हम लोग जो ट्रांजेक्शन देखेंगे तो हम योनो एप्लीकेशन से किस तरह से अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि अपना अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है योनो एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर पर जाकर योनो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब इंस्टॉल करेंगे तो शुरुआत में वो आपकी कुछ बैंक की डिटेल्स मांगेगा, ठीक है, जिससे कि वो रजिस्टर कर ले, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह जो कि आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, तो वो आप फिल कर लीजिएगा। तो फिल करने के बाद आपको एम पिन फिल करने के लिए आएगा ताकि आप एम पिन सेलेक्ट कर सकें, ताकि आप जब भी योनो एप्लीकेशन को खोलें तो सिंपल आपको कोई और डिटेल्स ना डालनी पड़े, सिंपल अपना पिन डालिएगा और अपना योनो की जो जितना भी आपका बैंकिंग से रिगार्डिंग है, स्टेट बैंक से रिगार्डिंग, वो सारी आप यहाँ पर फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी सेट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा इस तरह से प्लेटफॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो इन ऑप्शंस का मैं आपको बाद में यूटिलाइज बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल से कनेक्ट बने रहिएगा स्मार्ट हेवन फॉर यू से। तो आपको यहाँ पर योनो एप्लीकेशंस के बारे में तथा जितनी भी अधिक से अधिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है योनो एप्लीकेशन के बारे में प्लस अदर्स इंफॉर्मेशन, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे शेयर करता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट, ठीक है, केवल आपको बैलेंस देखना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है टैप टू व्यू बैलेंस। अगर आपको केवल बैलेंस देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक किया जैसे कि, तो आपका बैलेंस देख गया कि 3,264.30 है, इतना आपका बैलेंस देख गया। लेकिन अगर आप उसका ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक एरो बना हुआ है, तो ये एरो पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर हमारे जो SBI के 2 अकाउंट हैं, ठीक है, तो दोनों अकाउंट यहाँ पर हमारे देख रहे हैं। तो एक अकाउंट में कितना 928 है, दूसरे अकाउंट में 2,336 रुपये है, ठीक है। तो मैं जैसे कि ऊपर वाला जो अकाउंट है इसका मैं अपना ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर सिंपली से ये एरो बना हुआ है या फिर कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये ट्रांजेक्शन देखिए, यहाँ पर ट्रांजेक्शन खुल के आ गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन डिटेल्स दी हुई है और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये डेट दी हुई है, तारीख लिखी हुई है कि किस तारीख को क्या हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस बना हुआ है और कहीं पे यहां पर जैसे कि यहां पर प्लस बना हुआ है, यहां पर माइनस बना हुआ है, और फिर हम यहां पर देखते हैं यहां पर प्लस बना हुआ है, ठीक है। तो मैं सिंपल से इसका मतलब समझा देता हूँ आपको कि जो माइनस है, माइनस का मतलब है कि आपके अकाउंट से रुपये निकाला गया है और जो प्लस है मतलब वो आपके अकाउंट में जमा किया गया है, ठीक है। मतलब कि जो माइनस है वो डेबिट है और जो प्लस है वो क्रेडिट का साइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 16 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 292.70 यहाँ पर मेरा विड्रॉल हुआ है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 1 रुपये यहाँ पर विड्रॉल हुआ है, फिर 1,000 रुपये यहाँ पर प्लस मतलब जमा हुआ है मेरे बैंक में, फिर 2,500 रुपये विड्रॉल हुआ है, फिर 500 रुपये विड्रॉल हुआ है क्योंकि माइनस साइन बता रहा है, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तारीख भी आप देख सकते हैं किस तारीख को है। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं। तो अपने पिछले आप एक आध महीने के ट्रांजेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि अगर आप नेट बैंकिंग से ऐसे ओपन करते हैं तो पिछले आप 10-11 ट्रांजेक्शन ही देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो का मोटा केवल यही था कि आप किस तरह से अपना ट्रांजेक्शन को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है।